ये है किंगफिशर बर्ड। इस बर्ड ने जैपनीज इंजीनियर को बुलेट ट्रेन बनाने में काफी मदद की थी, जिसे सोनिक बूम कहते हैं। इसमें दशकों से चली आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। बुलेट ट्रेन के शुरुआती डिजाइन के चलते जब ये किसी टनल से गुजरती थी तो हाई प्रेशर वेव क्रिएट करती थी, जो किसी गन शॉट के जैसा होता था, और ये इफेक्ट 400 मीटर में रह रहे लोगों को बुरी तरीके से करती थी। 90s में जैपनीज इंजीनियर एक नए डिजाइन पे काम करती है, जिसे ट्रेन की स्पीड भी कम नहीं हुई और ये बुलेट ट्रेन काफी शांत हो गई। इसके डिजाइन पे इन्होंने किंगफिशर बर्ड को ऑब्जर्व किया, जो कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से हवा से पानी में डाइव लगाती थी, वो भी बिना किसी स्प्लैश के, जस्ट बिकॉज इसके शेप के कारण। इसके बाद इंजीनियर ने बुलेट ट्रेन के हेड शेप पे काफी काम किया, और कई टेस्ट और डिजाइन के बाद जो शेप किंगफिशर के चोट से इंस्पायर्ड था, उसने सबसे बेस्ट रिजल्ट प्रोड्यूस किया, और जापान ने दशकों से चली आ रही प्रॉब्लम को नेचर से इंस्पायर्ड होकर सॉल्व कर लिया।